हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लॉस्ट इन स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 के साइंस के चैप्टर पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक क्विज की फॉर्म में करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। और गाइज, अगर आपने अभी तक इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो वहां पे जाके भी उसे देख सकते हैं, क्योंकि गाइज वो वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। और गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी आगे आने वाली ऐसी ही और इम्पोर्टेंट वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। और गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, मैंने आपके लिए एक इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट किया है, अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है या आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप वहाँ पर जाकर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और गाइज, आपको उसका लिंक मेरे अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अपने प्रीवियस वीडियो के बोनस क्वेश्चन का आंसर। सो द करेक्ट आंसर ऑफ आवर बोनस क्वेश्चन इज ए 1985। सो गाइस, गंगा एक्शन प्लान वाज लॉन्च्ड इन 1985। तो चलिए दोस्तों, अब आज की अपनी क्विज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कैन नॉट रिमूव जर्म्स फ्रॉम वाटर एंड द ऑप्शंस आर ए बॉइलिंग, बी रिजर्व ऑस्मोसिस, सी क्लोरिनेशन एंड डी फिल्ट्रेशन थ्रू पोर स्पॉट। तो दोस्तों, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे कमेंट करके बता सकते हैं। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि आपको इसका आंसर देने के लिए 10 सेकंड्स का टाइम मिलेगा, सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी फिल्ट्रेशन थ्रू पोर स्पॉट। सो गाइज, फिल्ट्रेशन थ्रू पोर स्पॉट कैन नॉट रिमूव जर्म्स फ्रॉम वाटर। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मोकलेस फ्यूल्स एंड द ऑप्शंस आर ए एलपीजी, बी सीएनजी, सी बोथ ऑफ दीज एंड डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी बोथ ऑफ दीज। सो गाइस, बोथ एलपीजी एंड सीएनजी आर स्मोकलेस फ्यूल्स। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज अ क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन। विच टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन शुड बी यूज्ड टू सेव वाटर एंड द ऑप्शंस आर ए ड्रिप इरिगेशन, बी वाटर व्हील, सी लिफ्ट इरिगेशन एंड डी स्प्रिंकलर सिस्टम। तो दोस्तों, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो उसे कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए ड्रिप इरिगेशन। सो गाइस, ड्रिप इरिगेशन इज द टेक्निक ऑफ इरिगेशन व्हिच शुड बी यूज्ड टू सेव वाटर। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। वाटर कंटेनिंग हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन कैन बी प्योरिफाइड बाय विच टेक्निक एंड द ऑप्शंस आर ए फिल्ट्रेशन, बी क्लोरिनेशन, सी बॉइलिंग एंड डी रिजर्व ऑस्मोसिस। तो दोस्तों, अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी रिजर्व ऑस्मोसिस। सो गाइस, वाटर कंटेनिंग हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन कैन बी प्योरिफाइड बाय रिजर्व ऑस्मोसिस। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। इन कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स सच एज पेट्रोल एंड डीजल गिव्स एंड द ऑप्शंस आर ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी सल्फर डाइऑक्साइड एंड डी नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो दोस्तों, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
टाइम अप दोस्तों, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। सो गाइस, इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ फ्यूल्स सच एज पेट्रोल एंड डीजल गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन। वाटर दैट इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड, एंड द ऑप्शंस आर ए फिल्टर्ड वाटर, बी कंटेमिनेटेड वाटर, सी पोर्टेबल वाटर एंड डी सेलाइन वाटर। तो दोस्तों, अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो उसे कमेंट करके बताएं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, पोर्टेबल वाटर। सो गाइस, वाटर दैट इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 7th ऑन योर स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर्स विल गिव यू वाटर फ्री फ्रॉम ऑल इंप्योरिटीज, एंड द ऑप्शंस आर ए डिस्टिलेशन, बी फिल्ट्रेशन, सी सेडिमेंटेशन एंड डी एडिंग क्लोरीन टैबलेट्स। तो दोस्तों, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो उसे कमेंट करके बताएं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए डिस्टिलेशन। सो गाइस, डिस्टिलेशन इज द प्रोसीजर विच विल गिव यू वाटर फ्री फ्रॉम ऑल इंप्योरिटीज। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 8th ऑन योर स्क्रीन। व्हाट इज एडेड टू पेट्रोल टू प्रिवेंट इंजन्स फ्रॉम नॉकिंग, एंड द ऑप्शंस आर ए सोडियम, बी कैल्शियम, सी आयरन एंड डी लेड। तो दोस्तों, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे कमेंट करके बताएं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी लेड। सो गाइस, लेड इज एडेड टू पेट्रोल टू प्रिवेंट इंजन्स फ्रॉम नॉकिंग। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 9th ऑन योर स्क्रीन। व्हेन फॉग इज मिक्स्ड विद स्मोक देन डैश इज कॉज्ड, एंड द ऑप्शंस आर ए एसिड रेन, बी स्मॉग, सी ग्लोबल वार्मिंग एंड डी नन ऑफ दीज। सो गाइस, इफ यू नो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन देन यू कैन टेक्स्ट मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी स्मॉग। सो गाइस, व्हेन फॉग इज मिक्स्ड विद स्मोक देन स्मॉग इज कॉज्ड। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 10th आपकी स्क्रीन पर। द ओजोन लेयर इन आवर एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द, एंड द ऑप्शंस आर ए CFCs, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी सन्स अल्ट्रावायलेट रेज एंड डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो उसे कमेंट करके बताएं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी सन्स अल्ट्रावायलेट रेज। सो गाइस, द ओजोन लेयर इन आवर एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द सन्स अल्ट्रावायलेट रेज, मींस यूवी रेज। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 11th ऑन योर स्क्रीन। एयर पॉल्यूशन कॉजेज, एंड द ऑप्शंस आर ए रेस्पिरेटरी डिजीजेस, बी ग्लोबल वार्मिंग, सी सॉइल इरोजन एंड डी नन ऑफ दीज। सो गाइस, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए रेस्पिरेटरी डिजीजेस। सो गाइस, एयर पॉल्यूशन कॉजेज रेस्पिरेटरी डिजीजेस। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 12th ऑन योर स्क्रीन।
इन विच मंथ द वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड एंड द ऑप्शंस आर ए जून, बी अप्रैल, सी जुलाई एंड डी नवंबर। तो दोस्तों अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी जुलाई। सो गाइस द वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड इन जुलाई। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 13 ऑन योर स्क्रीन। व्हाट इज द कॉज फॉर स्टार्टिंग ऑफ मेल्टिंग ऑफ गंगोत्री ग्लेशियर एंड द ऑप्शंस आर ए एयर पॉल्यूशन, बी ग्लोबल वार्मिंग, सी वाटर पॉल्यूशन एंड डी स्मॉग। तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी ग्लोबल वार्मिंग। सो गाइस ग्लोबल वार्मिंग इज द कॉज फॉर स्टार्टिंग ऑफ मेल्टिंग ऑफ गंगोत्री ग्लेशियर। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। व्हेन वाज वन महोत्सव स्टार्टेड इन इंडिया एंड द ऑप्शंस आर ए 1947, बी 1952, सी 1949 एंड डी 1950। तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे जल्दी से कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी 1950। सो गाइस द वन महोत्सव वाज स्टार्टेड इन इंडिया इन 1950। गाइस इट वाज स्टार्टेड इन जुलाई 1950 बाय के एम मुंशी हु वाज द यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फूड एट दैट टाइम। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते अपने बोनस क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द बोनस क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। Which of the following gas combines with the blood and prevents it from carrying oxygen? And the options are A. Carbon monoxide, B. Sulfur dioxide, C. Carbon dioxide and D. Nitrogen dioxide. तो गाइज अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो आप उसे कमेंट करके बता सकते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि बोनस क्वेश्चन है तो इसका आंसर आपको मेरी नेक्स्ट 8th क्लास की साइंस की वीडियो सम नेचुरल फिनोमिना में मिलेगा। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।